दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर। कहते हैं अगर किसी कार्य में सफल होना तो लगन की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, आप चाहे कितनी भी कुछ कर लो, आप बहुत सारे काम कर लो, परंतु अगर किसी भी कार्य में सफल होना है, कार्य छोटा हो बड़ा हो, ज़रूरी है कि उसमें आपने लगन कितना लगा। तो चलिए आइए सुनते हैं आज सबके YouTube फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर एक छोटी सी कहानी। कहानी ऐसी है कि एक साधु बाबा थे, किसी गांव में कुटिया बनाकर रहा करते थे और वो भजन कीर्तन उसी गांव के बाहर में एक मंडली बनाकर अपने भजन कीर्तन प्रभु भक्ति में मगन रहता था। उसी गांव में ये परंपरा चली आ रही थी जब से वो साधु बाबा थे कि अगर गांव में बारिश नहीं हुई और गांव वालों को किसानों को ये लगता था कि बारिश होना चाहिए, समय बीतता जा रहा है या बारिश होनी है, तो वो साधु बाबा के पास जाते थे, साधु बाबा एक छोटी मोटी पूजा करते थे और नाचना शुरू करते थे और बारिश हो जाती थी। गांव वाले के पास भी कोई सवाल नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था, उन्हें बारिश से मतलब था। वो साधु बाबा की श्रद्धा भक्ति के साथ ध्यान रखते थे और साधु बाबा भी अपने काम में मगन रहते थे। परंपरा ऐसी ही चली आ रही थी। नई सदी का दौर आया, कुछ बच्चे बाहर से पढ़ के आए, तो दो चार बच्चे जिन्होंने पढ़ के उस गांव में आया था, तो आने के बाद उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि अगर साधु बाबा के नाचने से बारिश होती है तो हमारे भी नाचने से बारिश होगी, क्योंकि नाचना और बारिश होना दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दिखता है। तो या तो साधु बाबा बादल देखकर नाचते हैं, गांव वाले को मूर्ख बनाते हैं, या फिर साधु बाबा को ये पता है कि किस मौसम में वर्षा होने वाली है तो चलो नाचना शुरू कर दो। ये सब बहुत सारे सवाल उनके मन में थे और उन्होंने आके गांव में एक पंचायत बैठाई और बोला गया कि आप लोग ये मूर्ख वाली बातें, अंधविश्वास वाली बातें छोड़ो, साधु बाबा के नाचने से बारिश वारिश नहीं होती है, अगर ऐसा होता है तो मैं भी नाचूंगा तो बारिश हो जाएगी। और वो चले गए साधु बाबा के पास। गांव वाले ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात को कैसे मान लें, आज तक तो यही होते आया है कि जब भी हम लोग साधु बाबा के पास गए, उनसे आग्रह किए, उन्होंने एक छोटी मोटी पूजा की और नाचना शुरू किया और वर्षा हुई, आज तक का इतिहास यही रहा है। अब अगर आपको नहीं समझ में आती है या आपका कहना है कि नहीं आपके नाचने से बारिश होगी, तो चलिए इसमें क्या है, दूध का दूध पानी का पानी, चलते हैं साधु बाबा के पास, वहीं पे बैठ के बात करते हैं और एक प्रोग्राम करते हैं। तो सारे गांव वाले मिलके उन लड़कों को लेके साधु बाबा के पास पहुँचे, साधु बाबा से सारी बातें हुई, साधु बाबा ने बोले जैसी प्रभु की इच्छा, मुझे तो नहीं पता कि मेरे नाचने से बारिश होती क्यों है, लेकिन आपके नाचने से भी अगर हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी मोटी पूजा की गई, पूजा करने के बाद चारों लड़कों को नाचने के लिए दे दिया गया, चारों लड़कों ने नाचना शुरू किया। शुरुआत में तो बहुत तेजी से उन्होंने डांस किया, नाचा, नाचते नाचते चारों लड़के थक कर चूर हो गए, बादल भी नहीं गरजा, बारिश की तो दूर की बात है। तो लड़कों ने कहा साधु बाबा अभी तो बारिश का मौसम है नहीं, इस मौसम में बारिश कभी कभार ही होते हैं, आपके नाचने से भी होने वाला नहीं है, सो आप मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, मैं सावन महीने में आऊँगा और नाच के दिखाऊंगा, देखिएगा बारिश हो जाएगी। तो गांव वाले ने कहा नहीं, साधु बाबा अभी नाचेंगे और बारिश होगी, ये पक्का है, आज तक इतिहास यही रहा है। साधु बाबा ने छोटी सी पूजा की, ऊपर वाले को ध्यान किया और नाचना शुरू कर दिया। साधु बाबा नाचते रहे नाचते रहे नाचते रहे,
लड़कों को लगा बात तो सही है, बारिश होगी नहीं, अब साधु बाबा भी थकने वाले हैं और वो भी छोड़ देंगे कि आज बारिश नहीं होगी। नाचते नाचते कुछ समय बीतने के बाद कुछ व्यक्तियों ने देखना शुरू किया, ये तो बादल गरजना शुरू हो गया, छोटे मोटे बादल आने भी शुरू हो गए और धीरे धीरे करके बूंदाबूंदी भी शुरू हो गई, बारिश भी होने लगी। जब बारिश होने लगी तो साधु बाबा ने अपना नाचना बंद किया और कार्यक्रम को समाप्त किया। परंतु ये बातें उन चारों बच्चों को, लड़कों को रास लिया, समझ में नहीं आया। आखिर हम भी नाचे, बहुत तेजी से नाचे, एक एक कला में निपुण हुए नाचे तो बारिश नहीं हुई। और ये साधु बाबा बिना किसी कला के नाचे, इसमें कोई नाचने की कला में एक कला नहीं था, परंतु फिर भी बारिश हुई। चलो उनसे पूछते हैं। और वो चारों सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधु बाबा के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आखिर इसमें गूढ़ रहस्य क्या है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु बाबा ने उन्हें जो जवाब दिया वो सीखने लायक है। उनका कहना था कि आप इसलिए नाचने आए थे क्योंकि मुझे गलत साबित करना था। साधु बाबा के नाचने से कोई बारिश नहीं होती है और ये मुझे भी पता है, बाकी सबको भी पता है, और आप मुझे गलत साबित करने आए थे बाकी सबके सामने। तो आप में वो लगन की कमी थी, वो ऊर्जा की कमी थी और हम ये कार्यक्रम ना तो किसी को गलत साबित करने के लिए करते हैं, ना ही किसी फायदे के लिए करते हैं, सिर्फ आम जनमानस की खुशियों के लिए करते हैं। तो हमारे अंदर वो लगन होती है, हम जब नाचना शुरू करते हैं तो हमारे मन में दो बातें होती हैं। आपने जब नाचना शुरू किया था तो आपके मन में सिर्फ एक बातें थी कि साधु बाबा को गलत साबित करना है, और हम जब नाचना शुरू करते हैं तो मेरे मन में दो बातें होती है, एक तब तक नाचेंगे जब तक बारिश हो नहीं जाती है। नाचना तो उन्होंने शुरू किया कि तब तक नाचेंगे जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती है, और जब मैं नाचूंगा तो बादल को बरसना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मोटिव एक ही था रहता है उस टाइम में। उस समय सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि ये गरीब किसान बंधु हमारे पास वर्षा नहीं हो रही है इसलिए आए हैं, तो हमारे अंदर में जो भी शक्ति है उसे लगाना पड़ेगा इनकी रक्षा के लिए, इनकी गृहस्थी के लिए, इनकी खुशहाली के लिए, कि बादल को बरसना पड़ेगा। और हम तब तक नाचते हैं कि जब तक कि बारिश हो नहीं जाए, या ये सोच के नाचते हैं कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। तो आज के हमारे जो भी भाई हैं, बंधु हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, उनका भी मकसद सिर्फ यही रहता है कि मैं इतना ही काम करूंगा, मैं इतना ही पढ़ूंगा, मैं इतना ही बिजनेस करूंगा कि पड़ोसी को बीट कर सकूं। हमारे मन में कहीं नहीं रहता है कि हम जो करेंगे तो ये होना ही पड़ेगा। कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहा है तो उसके मन में ये होनी चाहिए कि जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे मैं इंजीनियर ही बनूंगा, बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, बिजनेस में मुझे सफल होना ही पड़ेगा, दुकान है, कस्टमर्स को हमारे दुकान पर आना ही पड़ेगा। हमारे मन में ये मोटिव सोच नहीं होती है। हमारी कोई कंपटीशन की एग्जाम आने वाली है तो जब मैं पढ़ूंगा तो पास होना ही पड़ेगा, कंपटीटिव एग्जाम लेने वाले को मुझे पास करना ही पड़ेगा, ये लगन मन में नहीं होती है। मैं तो पढ़ता हूँ, मैं इतना पढ़ूंगा कि वो नहीं मैं पास करूंगा, मैं उससे नहीं, मैंने एक पड़ोसी से कंपेयर में लगे रहते हैं किसी न किसी जानने पहचानने, तो
तो इस कंपेयर के दौर में क्या होता है कि हम पीछे रह जाते हैं। हमारी लगन उतनी स्पीड से, उतनी मेहनत से, हमारी बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं हो पाती है, हमारी मेहनत करने का जज्बा इतना नहीं हो पाता है कि हम सफल करने के दौर में पहुंच सके। हम सिर्फ किसी दूसरे को हराने के दौर पर पहुँचे रहते हैं और उतनी ही मेहनत करते हैं कि अगला हार जाए, जबकि अगले की लेवल आपको जिस लेवल में जाना है उससे बहुत कम है। तो ये कहानी हमें सीख देती है, अगर हम सीखना चाहें तो बहुत बड़ी सीख देती है, कि कार्य कोई भी हो आप उसमें दो ही चीज़ देखें, कि एक उनसे आपके आपके परिवार के या जनमानस की कितनी भलाई होने वाली है, और उसे करने के लिए उस जगह पे जाने के लिए आपके मन में ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इतनी मेहनत करूँगा तो आ जाएगा। आपके मन में ये होनी चाहिए कि मैं तब तक मेहनत करते रहूँगा, मैं तब तक रास्ते पे रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं तब तक इससे डाइवर्ट ना होऊंगा जब तक कि ये सक्सेस आ नहीं जाती है। मतलब सक्सेस को आना ही पड़ेगा या मुझे पास करना ही पड़ेगा। ये दो बातें कर मन में मेरे को लग जाए, आपके मन में दो बातें घर के रह जाए कि सफलता मिलनी ही पड़ेगी, जिसके हाथ में भी उसकी चाबी है वो मुझे पास करेगा, इतनी लगन आपके मन में होना चाहिए। इन सब चीज़ के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, कि धैर्य के साथ काम करें, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखकर कार्य करें, और ये कार्य कर सोच कर कार्य करें कि सफलता मिलेगी और मिलना ही पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में हम पीछे नहीं हट सकते। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए